हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ टॉप 3 ऐसे स्मार्टफोन जो कि 10,000 रुपीस के अंदर आ जाते हैं और फीचर भी आपको बहुत ही अच्छे ये स्मार्टफोन्स देने वाले हैं। सो अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीडिया कंजप्शन एंड लाइट गेमिंग है सो ये स्मार्टफोन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं दिखाने वाला, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन दिखाऊंगा जो कि अंडर 10,000 रुपीस आते हैं। सो वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना करते हुए लेट्स बिगिन। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्मार्टफोन की जो कि आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 5। सो गाइस, इसकी प्राइस यहाँ पे आपको मिल जाती है 4GB 64GB वाले वेरिएंट की 9,999 रुपीज़। और यहाँ पे आपको दो वेरिएंट और देखने को मिल जाते हैं जो कि एक 6GB का है और एक 3GB 32GB वाला वेरियंट है। तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी मिल जाता है आपको और डुअल सिम स्लॉट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप दोनों एक ही टाइम में आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 256GB तक यहाँ पे आप लगा सकते हैं। वहीं बात करें इसके रैम की, यहाँ पे आपको 4GB रैम और 64GB वाला वेरियंट 10,000 रुपीज मिल जाता है। और बात कर लेते हैं कैमरा की, यहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ में क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पे आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बैटरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और यहाँ पे स्क्रीन की बात करें, यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस की HD+ डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है डॉट नॉच के साथ। और वहीं बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर मिल जाता है देखने को और GPU यहाँ पे आपको एड्रेनो 610 GPU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे हमें कॉर्बिन गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिल जाती है देखने को, जो कि थोड़ा आउटडेट हो गया है। बट यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट में जो हमें फीचर मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम फीचर है। सो अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। और आप बात कर लेते हैं अपने सेकेंड स्मार्टफोन की जो कि आता है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 7S। यहाँ पे आपको मिल जाती है 6.3 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले विद डॉट नॉच और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और वहीं बात करें इसकी रैम और स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 9,999 रुपीज़ में मिल जाएगा। और वहीं भी कैमरे की बात करें, यहाँ पे आपको 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा की बात करें, यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और बैटरी की बात करें, यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी विद क्विक चार्ज सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें टाइप सी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे प्रोसेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर और GPU यहाँ पे एड्रेनो 512 GPU यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इस बजट रेंज में। और अगर आपको लेना हो इन दोनों में से कोई एक को लेना हो सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेडमी नोट 7S लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल HD डिस्प्ले विद 48 मेगापिक्सल कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। सो अब बात कर लेते हैं इसका अपने फर्स्ट एंड लास्ट स्मार्टफोन की जो भी आता है रेडमी की तरफ से और ये कल ही लॉन्च हुआ है। सो मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 8 की। सो गाइज, रेडमी नोट 8 अभी लॉन्च हुआ है सो उसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है क्योंकि फ्लैश सेल अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। और अगर फ्लैश सेल स्टार्ट होती भी तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है उसको ऑर्डर करने में। सो गाइज, अब पहले इसकी बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स की, क्यों ये फर्स्ट नंबर के पोजिशन पर मैंने रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसके स्पेक्स की, तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले विद डॉट नॉच और इसमें भी आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड फोटो और माइक्रो फोटोग्राफी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। वहीं बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर और एड्रेनो 610 GPU यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। वहीं रैम और स्टोरेज की बात करूँ, यहाँ पे आपको 4GB 64GB वाला वेरियंट 9,999 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। और उसी के साथ यहाँ पे आपको डिस्प्ले 6.3 इंचेस की बैटरी की बात करूँ, यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी विथ 18 वाट फास्ट चार्जर आपको इस बार
इनबॉक्स में ही मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर होने वाला है इस स्मार्टफोन का, और ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है आपके इस प्राइस पॉइंट में। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लेना हो 10,000 में आपका मोबाइल, सो अगर आपको ये रेडमी नोट 8 मिलना है तो आप इसे डेफिनेटली इसे कंसिडर करिए। और अगर आपको अभी अर्जेंट लेना हो और अगर आपको के पास टाइम नहीं है वेट करने के लिए, सो आप इनमें से दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक चुन सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रेडमी नोट 7S चुनिए। सो गाइस, इन स्मार्टफोन में से आपको कोई भी स्मार्टफोन अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताना। और आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना है, आप कौन से स्मार्टफोन की प्लानिंग कर रहे हैं लेने के लिए 10,000 रुपीज के आसपास, वो भी आप मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।